हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग का दिमाग खोल देगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि 8 PM पे रोज आता हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ, प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। ना कोई बहुत टेक्निकल बातें, ना कोई फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है उसके बेसिस पे। आप कोई भी हो, कम फाइनेंस पढ़े हो, ज़्यादा पढ़े हो, सबके लिए यूजफुल होगा। तो आज का टॉपिक है बोलूं, खर्चा घटाना है या कमाई बढ़ाना है, या दोनों साथ साथ करें। तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन, पॉइंट बना बना के। पर्पस ये है, वेल्थ क्रिएट करना है। तो खर्चा घटा के कर सकते हैं, कमाई बढ़ा के कर सकते हैं। अब यार खर्चा कैसे घटेगा और कितना घटेगा, इट ऑल डिपेंड्स। आप 30,000 सैलरी कमा रहे हो, 20,000 सैलरी ले रहे हो, तो बड़ी मुश्किल से आप मैनेज कर पा रहे हो। थोड़ा बहुत 1-2 हजार सेव मान लो कर पा रहे हो आप, तो यहाँ पे आप कितना भी खर्चा और घटा दीजिए, 1-1.5 हजार और बचा लेंगे। मतलब जितना बचा रहे हो उसका डबल लॉक कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। और आगे आपको बढ़ने के लिए जो लाइफ में आपकी ड्रीम्स हैं, आपकी प्लानिंग है, दैट विल टेक 10-20 ईयर्स टू कम्प्लीट, आप चाह रहे हो जल्दी कम्प्लीट हो जाए, तो खर्चा घटाना एक बड़ा लिमिटेड काम है। क्योंकि बच्चे की फीस आप रोक नहीं सकते, चावल दाल खाना चाय पीना तो बंद नहीं कर सकते, टीवी देखना ही है, OTT सब्सक्रिप्शन लेना है, मोबाइल का बिल जाना ही है, इंटरनेट मैंडेटरी हो गया है, कॉपी किताब ऑफिस जाना, ओ माय गॉड, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत थोड़ा सा आप कंजूसी कर लो अपने लिए, वो कर सकते हो, फैमिली को भी ज़्यादा नहीं प्रेशर दे सकते, चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। तो खर्चा घटाना एक सोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता। मैं एक जगह काम करता था, 10 साल काम किया, आई वॉज अ डेप्टी डायरेक्टर ओवर द ईयर, और काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया अपनी लाइफ को। मैंने एक शॉर्ट में भी बताया, मैं वहाँ लगभग 10 साल काम किया, एंड आई वर्क फॉर 40 ईयर्स, मैं सोचता हूँ मैंने वहाँ काम कर लिया, यानी मैं 40 साल का काम 10 साल में किया। आप समझ सकते हो मैं बहुत मेहनत किया, ना कोई ऑफ होता था, ना कोई टाइमिंग होती थी, जाने की टाइमिंग होती थी, आने की नहीं होती थी, बड़ी आई लर्न अ लॉट, बहुत मैंने सीखा। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे, द ओनर MD, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, एंड नाउ ही इज एट वेरी वेरी गुड पोजिशन, इंडिया के टॉप 2nd पर्सनल प्रॉपर्टी परचेजर में उनका नाम है। तो इतना वेल्थ उन्होंने क्रिएट कर रखा है, इस टाइम 1000s of crore पैसे उनके पास हैं। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका एक स्टेटमेंट हुआ करता था यार, एक कहावत है ना, आपके घर पे बड़े बुजुर्ग या लोग, समझदार लोग होते हैं, वो कहते हैं यार चादर जितनी है बच्चा उतना ही पैर फैलाओ, चादर से ज्यादा पैर फैलाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। वो कहते थे नो, यार जितना मन करे फैला ले यार, चादर खींच खांच के बड़ा कर लेंगे, यानी खर्चे बढ़ा लो, कमाई को बढ़ा लेंगे यार, कमा लेंगे, प्लान कर लेंगे। फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, उसने भी एक जगह में इस बात का जिक्र है कि एक बंदा जिसके पास फिक्स अर्निंग है, वो अपनी सारी प्लानिंग उसी के इर्द गिर्द करता है, संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। लेकिन अगर एक बंदा टारगेट कुछ कर लेता है कि यार मेरे को 2 लाख इस महीने में चाहिए, तो पूरी ताकत अपने दिमाग का लगा देता है उस 2 लाख को कमाने में, अरेंज करने में। आप भी सोचो ना, आपके पास एक महीने में कुछ 2 लाख रुपए की जरूरत आ गई है, बहुत जरूरत है, आपके पास पैसे हैं नहीं, पूरा दिमाग आपका काम करेगा ना, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और आप अरेंज कर देते हो 2 लाख, नहीं तो 1,80,000, 1,70,000 तो अरेंज कर लेते हो ना। तो ऐसे ही अगर आप अपने इनकम को बढ़ा लें तो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होती है, बट बड़ी दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर इनकम कैसे बढ़ाए, ब्राइब ले क्या, नहीं ना, तो गवर्नमेंट ऑफिसर अपने इनकम कैसे बढ़ाए, उनका तो एक फिक्स टाइम पे सैलरी बढ़नी है। प्राइवेट वाला क्या कर सकता है, वो नौकरी छोड़ दे, एक्स्ट्रा काम करने लगे, मून लाइटिंग करने लगे, जो कंपनियां निकाल दे रही हैं एक्स्ट्रा काम करने के चक्कर में, इस पर डिबेट चल रहा है कि मून लाइटिंग होनी चाहिए या नहीं। तो प्राइवेट वाले के पास फिर भी ऑप्शन है, वो मेहनत ज़्यादा कर सकता है, ज़्यादा ग्रोथ ले सकता है कंपनीज में। कंपनीज कई बार, मैं खुद एक पिछली कंपनी में 1 साल में 7 बार प्रमोशन लिया था। तो आप प्राइवेट में काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट वाले नहीं कर सकते। एक बिजनेस आपके पास सेटल्ड है, फैमिली बिजनेस है, उसका भी एक लिमिट है, आपको पता है इससे ज़्यादा सेल नहीं होनी है, तो वो वाला बंदा क्या कर सकता है। बट प्राइवेट जॉब, पर्सनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे अनलिमिटेड स्कोप है।
यहाँ पे आप आगे कर सकते हो। प्राइवेट जॉब में अनलिमिटेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बिजनेस में तो है। जैसे आपने सोचना स्टार्ट कर दिया कि मेरा ये टारगेट मनी है, फिर आप रिवर्स काउंटिंग करो, टू गेट द टारगेट, टू अचीव दिस टारगेट आई हैव टू डू दिस दिस दिस। ये एक तरीका होता है आपको अपने इनकम बढ़ाने का। बट पहले आपके दिमाग में आइडिया कंसीव होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में आइडिया ही कंसीव नहीं हो पा रही है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वंस प्लान इट देन बिलीव इट एंड देन एग्जीक्यूट इट। ये प्रोसेस होता है, प्लान इट, बिलीव इट, एग्जीक्यूट इट, और फिर रास्ते में देखना जितनी भी कठिनाइयां आएंगी आप उसे पार पाते रहोगे। सरकारी नौकरी में करने वाले, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ऑप्शन है, ब्राइब वाला नहीं, उनके लिए ऑप्शन है कि वो अपने स्किल को डेवलप करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेस्ट देयर टाइम, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मुझे और क्या करना होगा। बट मैं कई ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो बच्चे अच्छे लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिसर्स हैं, वो भी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी अच्छी है, तो वो उस तरह से पैसे को ग्रो कर रहे हैं। तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं आप काम करना चाहो, आप दिमाग लगाओ, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छी करो तो आप वहाँ से अपने अर्निंग बढ़ा सकते हो। टाइम वेस्ट मत करो, अपना स्किल डेवलप करो, सीखो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स सीखो। आजकल बड़े सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। कुछ भी करो, प्लान करो और अपने जो टारगेट है ना उसको अचीव करो। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको खर्चा घटाने की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि कमाई आपकी बढ़ जाएगी। और ये प्रैक्टिकल है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको और ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज नहीं घुसा रहा हूँ, इसी को छोड़ रहा हूँ कि आप सोचिए और बताइए मुझे क्या ये काम कर रहा है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।